माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये जान चुके हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। यदि दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे। दूसरा ये भी जान चुके हैं कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तीसरा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज ऑब्टेंड बाय द फॉर्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू। इस फॉर्मूला से हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकाल सकते हैं। और चौथा, हम लोगों ने सीखा कि इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर टू पॉइंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे कैसे जाते हैं और कितने तरह के इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक नॉलेज क्लास टेंथ से। क्लास टेंथ में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब ऑल दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यदि वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उस लाइन पर वाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा या फिक्स्ड होगा, अर्थात y इक्वल टू सी या y इक्वल टू माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू टू, y इक्वल टू माइनस थ्री, दीज आर द लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। एंड लाइन्स विच आर पैरेलल टू y एक्सिस आर x इज इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू आर द लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बारे में ऑलरेडी क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे डिफरेंट और अदर कंडीशन है, उन कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखे जाते हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन के अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग रूप है उनको। सबसे पहले हम लोग क्लास टेंथ के बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, और y इक्वल टू माइनस सी। आप यहां देखिए x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू सी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस y इक्वल टू सी लाइन पर y का वैल्यू हमेशा c रहेगा, x का वैल्यू बदलता रहेगा। y इक्वल टू सी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। y इक्वल टू माइनस सी, यदि y का वैल्यू y इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर हो तो दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बट जस्ट बिलो द x एक्सिस, ये x एक्सिस के नीचे आएगा। सिमिलरली वर्टिकल लाइंस x इज इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू a इज अ वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस से पैरेलल। ऑन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ ax इज ऑलवेज a बट द वैल्यू ऑफ y वेरीज। इफ x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू देन दैट लाइन इज राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड में होगा। इफ x इज इक्वल टू माइनस नंबर, माइनस रियल नंबर, देन दैट वर्टिकल लाइन इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये बेसिक नॉलेज ऑलरेडी क्लास टेंथ में है। इससे अब हम लोग हायर क्लास इलेवेंथ में आते हैं। इलेवेंथ में पहला पॉइंट स्लोप फॉर, जैसा नाम है पॉइंट स्लोप फॉर, एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास कर रहा है, एक चीज दे दिया पॉइंट एंड हाफ स्लोप, और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ एम, उसका क्या होगा। आइए देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है एल, ये पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जामिनर के द्वारा m। इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग ले लेंगे x, y, आर्बिट्ररी पॉइंट। आपने पुराने वीडियो में देखा है यदि दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उस फॉर्मूला से यहां इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, जहां एक्स वाई क्या है, एक आर्बिट्ररी अपने मन से माना हुआ कोई भी पॉइंट है ऑन दिस लाइन, और ये स्लोप ऑलरेडी एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है इज इक्वल टू एम है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड हैव स्लोप एम। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। इसमें ध्यान देंगे ये लाइन एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स वन वाई वन पॉइंट से, और इस लाइन का स्लोप एम दिया हुआ है, तब उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इस रूप में लिखा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं दूसरा फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, जैसा कि नाम है यहाँ पर दो पॉइंट दिया है ऑलरेडी, दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ये दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन। आइए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर और एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा एक्स टू वाई टू पॉइंट से पास कर रहा है लाइन एल। इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिटरी पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, अभी आप लोगों ने देखा कि दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, अर्थात इस लाइन का स्लोप हमको पता हो गया y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया स्लोप m, जो इससे पहले वाले फॉर्म में m एग्जामिनर के द्वारा दिया गया था, यहाँ m हमको कैलकुलेट करना होगा, m इक्वल टू हो गया y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इस लाइन का m पता लग गया y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये लाइन x1 y1 से पास कर रहा है, एक्स वन वाई वन से पास कर रहा है, और इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिटरी पॉइंट आप एक्स वाई माने, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, इस लाइन के ऊपर में एक्स वाई आर्बिटरी पॉइंट है और एक्स वन वाई वन पॉइंट से वो पास कर रहा है, इस लाइन का स्लोप हो गया वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, और ये स्लोप ऑलरेडी निकाल चुके हैं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे, इस स्लोप को ही हम लोग एम नाम दिए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल पॉपुलर फॉर्म, इसको याद रखना होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ये जो स्लोप m आप निकाले y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वैल्यू इन टू एक्स माइनस एक्स वन, यदि दो पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास करेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम स्लोप, स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू उसमें एक्स माइनस एक्स वन। आइए अब हम लोग और कुछ फॉर्म देते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा कि नाम है इसमें आपको स्लोप दिया रहेगा और दूसरा इंटरसेप्ट दिया रहेगा, कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए विच मेक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब काटना, वो इंटरसेप्ट काटता है कितना सी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये जो दूरी काट रहा है वो सी है, लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर में सी का इंटरसेप्ट काट रहा है और इस लाइन का स्लोप एम दिया हुआ है, इतना चीज दिया रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन इंटरसेप्ट सी ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर सी काट रहा है एंड हैव स्लोप एम, इस लाइन का स्लोप एम हो तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ओके इस लाइन का स्लोप एम दिया हुआ है, लाइन एल का स्लोप एम दिया हुआ है, अगर C इंटरसेप्ट काट रहा है इसका मतलब है ये लाइन 0, C पॉइंट से होकर पास कर रहा है, इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिटरी पॉइंट हम अपने मन से मान लें एक्स वाई, तो अगेन आप देखिए यहाँ एक आर्बिटरी पॉइंट हो गया एक्स वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, C, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा वाई, आइए स्लोप हो जाएगा वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स और c को उधर भेज दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें याद रखना होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या हो गया m हो गया उस लाइन का स्लोप और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, अगर निगेटिव रहेगा तो माइनस सी हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इंटरसेप्ट c, वो c काट रहा है, c का इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन y एक्सिस एंड हैव स्लोप m, और उस लाइन का स्लोप एम भी दिया हो
उस समय इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एक और फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटता है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एक्स एक्सिस पर एंड बी ऑन वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस। ए का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर, वाई का इंटरसेप्ट ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, आइए हम लोग फिगर देखते हैं। इस एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काट लिया, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट लिया, अर्थात इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन का हो गया एक्स एक्सिस के साथ ए कॉमा जीरो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कॉमा बी। इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया हम एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब हम लोग देखते हैं एक्स वाई एक पॉइंट दिया हुआ, दूसरा ए कॉमा जीरो दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। और दो पॉइंट दिया है जीरो बी और ए जीरो दिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला ये वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब जीरो माइनस ए। वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला अप्लाई करने से बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए। अब इस एक्स माइनस ए को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो y बाई बी इज इक्वल टू आ गया एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए, माइनस ए में दोनों माइनस ए से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, x डिवाइडेड बाई माइनस ए, फिर यहाँ प्लस माइनस ए में डिवाइड कर दिया माइनस ए से तो जो कि हो गया वन, और ये माइनस एक्स बाई ए को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटता है तो डिवाइड कर देना है ए से, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटता है तो डिवाइड कर देना है बी से। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन का आखिरी फॉर्म है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको निकालना है सच दैट, कंडीशन देखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज पी एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अर्थात इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको निकालना है इस प्रकार से कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान ली लाइन है आपका, इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लीजिए ये पी है, ओसी है, ओसी जो परपेंडिकुलर ओ से हम लोग ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओसी, इस ओसी का लंबाई मान लीजिए पी, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से टू द लाइन इज पी, यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर ओसी खींचे वो है पी, एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा, नॉर्मल जो है एंगल अल्फा बनाता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ओएसी में, ओएसी ट्रायंगल हम लोग लेंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच, 90 के सामने वाला ओए हो गया इसका हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और अल्फा के सामने यह परपेंडिकुलर, बी हो गया आपका ओसी, तो कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं ओसी डिवाइडेड बाई ओए, ओसी का वैल्यू है पी डिवाइडेड बाई ओए, ओए को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ओए इक्वल टू हो गया पी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। अब आ जाए इन ट्रायंगल ओसीबी ट्रायंगल में, ओसीबी एंगल बी आपका 90, एंगल ओ आपका 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, तो एंगल बी ओ सी एंगल आपका बच जाएगा 90 माइनस अल्फा हो गया एंगल बी ओ सी। अब इस ट्रायंगल में कॉस 90 माइनस अल्फा फिर से लेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फा लिए, 90 के सामने वाला ओ बी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके सामने बी सी हो गया परपेंडिकुलर और ओ सी हो गया आपका बेस, तो कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी, कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी, ओ सी को आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ नॉर्मल है पी डिवाइडेड बाई ओ बी,
ओबी का वैल्यू यहां से निकाल लिए, कॉस 90 माइनस अल्फा आप फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ चुके, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये हो गया साइन अल्फा, तो ओबी का वैल्यू आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब ओए भी निकाल लिए, ओबी भी निकाल लिए, ओए एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ओबी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला अगर यूज किया जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ओए प्लस वाई डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज ओबी इज इक्वल टू वन। ओए का वैल्यू रख दिए, ओए का वैल्यू रख दिए पी बाई कॉस अल्फा ऊपर चला गया, तो एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई डिवाइडेड बाई पी बाई साइन अल्फा ऊपर चला गया, तो प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इज इक्वल टू वन। पी एलसीएम ले लिए तो फाइनल इक्वेशन हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं। अब आपको आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जैसा आपको जो भी सहूलियत हो, जो भी फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को आपको यूज इस्तेमाल में लाना है, और आप एक्सरसाइज 10.2 को बनाएंगे, और जो भी डाउट्स होगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।